हेलो बच्चों, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास। और देखिए कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूनिट। यूनिट में काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं बेटा। कुछ हमारे पास में काम अभी बच रहा है, जो बच रहा है वो हम लोगों को अपना फिनिश करना है। हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती है? सेवन। उन सेवन क्वांटिटीज़ में से दो क्वांटिटीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं बेटा। एक मैंने आपको बताया है मास के बारे में, और दूसरा मैंने आपको बताया है लेंथ के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानेंगे बेटा टाइम के बारे में और बाकी अनदर क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वांटिटी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड क्वांटिटी है हमारे पास में वो है बच्चों टाइम। ये है हमारे पास में थर्ड क्वांटिटी टाइम। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास डिफाइन करने को नहीं है। आइंस्टीन साहब ने भी कहा है कि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे कभी डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। टाइम को आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम की डेफिनेशन जानते हैं क्या है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम की डेफिनेशन वो है जो घड़ी टाइम दिखाए, जो वॉच हम लोगों को दिखाती है, बस वही टाइम की डेफिनेशन है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। तो बेटा टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर से जो सात बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना बच्चों, उन सात क्वांटिटीज़ में से टाइम भी हमारे पास में एक फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट, ओके। तो टाइम के बारे में थोड़ा बेसिक हम लोग जान लेते हैं भाई। टाइम के बारे में बेसिक ये है कि टाइम की जो एस आई यूनिट है हमारे पास में वो है सेकेंड। द एस आई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ये टाइम की एस आई यूनिट है, यानी टाइम की स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, टाइम की जो अनदर यूनिट है हमारे पास में वो कौन कौन सी हैं, ज़रा एक बार देख लीजिए आप। अनदर यूनिट है हमारे पास में टाइम की मिनट, आप जानते हैं बेटा, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मिनट के साथ साथ आवर भी है हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास में डे भी है, और इस डे को फिजिक्स की लैंग्वेज में नाम दिया जाता है सोलर डे। ओके स्टूडेंट, फिजिक्स की लैंग्वेज में डे को हम बोलते हैं सोलर डे। और डे के बाद जो अगला नंबर हमारे पास में आता है स्टूडेंट, वो है सोलर ईयर। ये है हमारे पास में सोलर ईयर। तो टाइम की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि टाइम इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम हमारी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा हमारे पास में वो है सेकेंड। अनदर यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम की जो अनदर यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? टाइम की अनदर यूनिट्स है मिनट, आवर, डे, हम डे को बोलते हैं सोलर डे, और दूसरा है हमारे पास में सोलर ईयर। ठीक है बेटा, अब इनके बीच में हम जान लेते हैं हल्का सा रिलेशन। भाई रिलेशन हमारे पास में ये है कि वन जो मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल है। वन मिनट 60 सेकंड के इक्वल है। इसके बाद में जो वन आवर है वो 60 मिनट के इक्वल है, या 3600 सेकंड के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो वन सोलर डे है, वन सोलर डे हमारा 24 आवर के इक्वल है, या हम ये कह सकते हैं, देखो इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग ध्यान रखिएगा, वन सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, या हम कह सकते हैं 86400 सेकेंड। ये हमारे एक दिन में इतनी सेकेंड होती हैं बेटा, वन डे के अंदर इतनी सेकेंड होती हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सोलर ईयर के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई सोलर ईयर के बारे में?
सोलर ईयर के बारे में हम जानते हैं कि जो वन सोलर ईयर है वो हमारा 365 डेज के इक्वल है। पता है आप लोगों को, बहुत बेसिक सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट में एक पॉइंट है हमारे काम का बेटा, पॉइंट ये है जिसे हम लोग बोलते हैं शेक, वन शेक। ये जो शेक है ना बेटा, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। शेक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ये सब फैक्चुअल डेटा है बच्चों, मतलब ना चाहते हुए भी हमें पढ़ाना ही पड़ेगा और आप लोगों को याद करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम लोग कुछ लॉजिकल बात हो या कुछ ऐसी बात हो जो चैलेंजिंग पॉइंट हो, कुछ ऐसा नहीं है। ये सब याद करने का काम है, ठीक है। सो टाइम इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ फंडामेंटल बेस क्वांटिटी, या हम लोग इसे नाम देते हैं खाली बेस क्वांटिटी का। टाइम की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो सेकेंड है, और ये सारी हमारी टाइम की अनदर यूनिट्स हैं। टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट हमारे पास में है बेटा वो है शेक, और इसकी वैल्यू है वन शेक इज इक्वल टू 10^-8 सेकेंड। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। होप सो कि आप लोगों को बात समझ में आई हो और ज़्यादा परेशानी आप लोगों को ना हो। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे बेटा आगे। ओके स्टूडेंट, तो बेटा ये बात हो गई है हमारे पास में टाइम की। उम्मीद है कि टाइम के बारे में अब आप लोगों को पता चल चुका होगा और कोई ज़्यादा परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। टाइम के बाद जो चौथे नंबर पर हमारे पास में आता है बेटा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, आइए जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है। देखो टाइम को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने टाइम की कोई डेफिनेशन आप लोगों को नहीं लिखवाई, ठीक है, क्योंकि उसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। जितनी भी जानकारी है टाइम से रिलेटेड वो सब मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आते हैं बेटा हम लोग टेम्परेचर पर। हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर को बिल्कुल हम डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे डिफाइन करेंगे ज़रा देखो, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी बॉडी ठंडी है या कौन सी बॉडी गर्म है। अगर आप किसी बॉडी को टच करते हैं तो आपको फील होता है कि भाई ये बॉडी कोल्ड है या ये बॉडी हॉट है, ठीक है। तो उस कोल्ड या हॉट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म का, उस टर्म का नाम है टेम्परेचर। यानी हम किसी भी बॉडी को टेम्परेचर का यूज़ करके बताएंगे कि ये बॉडी ठंडी है या ये बॉडी गर्म है। भाई जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा वो बॉडी ठंडी होगी, और जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो बॉडी गर्म होगी। तो बेसिकली टेम्परेचर है क्या बेटा, तो हम लोग कहेंगे कि टेम्परेचर इज़ द डिग्री मेजरमेंट ऑफ, टेम्परेचर इज द डिग्री मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को मापने के लिए जिस डिग्री मेजरमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, जिस डिग्री मेजरमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं वो डिग्री मेजरमेंट हमारी कहलाती है टेम्परेचर। समझ आ रही है बेटा बात। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, टेम्परेचर की डेफिनेशन अपनी कॉपी में कर लीजिए नोट डाउन। लिखिए द डिग्री मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। द डिग्री मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कौन सी बॉडी ठंडी है और कौन सी बॉडी गर्म है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के स्टैंडर्ड मेजरमेंट की। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, आप लोग लिखेंगे द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज
द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. ओके स्टूडेंट, टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है हमारे पास में बेटा, वो है केल्विन. यानी हम टेम्परेचर को स्टैंडर्ड मेजरमेंट में केल्विन के अंदर डिनोट करते हैं या मेजर करते हैं, ठीक है. लेकिन केल्विन के अलावा भी हमारे पास में टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स होती हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा आप लोग. अनदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हमें टेम्परेचर की अनदर यूनिट्स देखनी है. कौन कौन सी होंगी, टेम्परेचर के अलावा कौन कौन सी यूनिट होती हैं. टेम्परेचर के अलावा एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होती है बेटा हमारे पास में डिग्री रियूमर, और एक होती है हमारे पास में डिग्री रैंकाइन. भाई इसका नाम तो आप जानते हो, डिग्री सेल्सियस, यह है हमारी डिग्री सेल्सियस. यह है हमारे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट. ये दो आप लोगों के लिए नई हैं. एक को हम लोग बोलते हैं डिग्री रियूमर, ध्यान रखिएगा बेटा, एक को हम लोग बोलते हैं डिग्री रियूमर, और एक हमारा कहलाता है डिग्री रैंकाइन. केल्विन के ऊपर कोई डिग्री नहीं होती है, बाकी चार के ऊपर होती है डिग्री. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और ये है हमारे पास में अनदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. होप सो कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे बेटा. अच्छा, इसके साथ साथ एक दो फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ. देखो, जो सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर होता है, स्मॉलेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इन लेबोरेटरी वो है बेटा हमारे पास में 10^-8 केल्विन. आज तक लेबोरेटरी में जो सबसे ठंडा टेम्परेचर हम लोग बना पाए हैं वो है हमारे पास में 10^-8 केल्विन. इससे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर आज तक हम लोग बना नहीं पाए हैं बच्चों. ये सबसे कोल्ड टेम्परेचर है आज तक का, ठीक है. समझ आ रही बात आप लोगों को. इसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर पॉसिबल इन लेबोरेटरी, ठीक है बेटा. वो है हमारे पास में 10^+8 केल्विन. 10^+8 केल्विन जो सबसे ठंडा टेम्परेचर आज तक हम लैब में बना पाए हैं वो है 10^-8 केल्विन. सबसे पहले ये बनाया गया था जापान में बच्चों, ठीक है. और सबसे गर्म टेम्परेचर आज तक जो हम लोग बना पाए हैं लैब में वो है 10^+8 केल्विन. ये सबसे पहले बनाया गया था रशिया के अंदर. उस समय बहुत सारी कंट्रीज रशिया के अंदर आती थी, और सोवियत संघ उसे हम लोग बोलते थे, ठीक है. सोवियत यूनियन हम लोग उसे बोलते थे. उस समय उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट किया था, और हाइड्रोजन बॉम्ब की जो की होती है, आप ये समझिए कि हाइड्रोजन बॉम्ब को जो चलाने की है वो इतना टेम्परेचर है. तो इसीलिए रशिया ने सबसे पहले इतना टेम्परेचर बनाया था, और यह है 10^8 केल्विन. अच्छा, थियोरिटिकली सबसे कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन, और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, इनफाइनाइट. देखो बेटा ध्यान से, थियोरिटिकली छोटा टेम्परेचर क्या पॉसिबल हो सकता है, सबसे छोटा टेम्परेचर क्या हो सकता है थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, थियोरिटिकली 0 केल्विन. आप कभी 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकते हैं. 0 केल्विन सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है बेटा. आप ये समझो कि अगर कभी आपने 0 केल्विन बना लिया ना, और 0 केल्विन आपने कहीं अप्लाई कर दिया, तो एयर भी फ्रीज हो जाएगी. जो एयर फ्लो करती है ना, वो भी जम जाएगी, हर तरीके का मोशन रुक जाएगा इतने टेम्परेचर पर. अच्छा, सबसे बड़ा टेम्परेचर क्या होगा, तो भैया सबसे बड़े टेम्परेचर की कोई रेंज नहीं है. आज तक हमने सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सन के सरफेस या सन के कोर में देखा है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सन ही सबसे एनर्जी वाला स्टार है. अगर हम किसी और सोलर सिस्टम में पहुँचे
या गैलेक्सी के अंदर थोड़ा सा और अंदर पहुंचे तो हमें और ज़्यादा एनर्जी वाले स्टार मिलेंगे जिनका टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। समझ आ रही है बेटा बात? तो हाईएस्ट टेम्परेचर की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना भी हो सकता है टिल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक हाईएस्ट टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। और थियोरेटिकली सबसे छोटा टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। समझ में आ रही बात? प्रैक्टिकली जो हम टेम्परेचर आज तक बना पाए हैं सबसे छोटा टेम्परेचर वो इतना है, और जो सबसे बड़ा टेम्परेचर प्रैक्टिकली आज तक हम बना पाए हैं वो इतना है। बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रशिया को अमेरिका के बाद सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न ये है कि रशिया के पास अभी तो रशिया ने अपने एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत कम कर दिए हैं। नहीं तो अगर आप 1950s और 1960 या 1970 के आसपास पहुंचे तो अमेरिका आपको रशिया से बहुत पीछे खड़ा हुआ दिखाई देगा। उस समय रशिया को सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता था, और 1950 से लेकर 1990 के बीच रशिया ने अपने एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब का जो जखीरा है उसे बहुत बढ़ा दिया था बच्चों, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा। उसने एक से एक एटॉमिक बॉम्ब, एक से एक हाइड्रोजन बॉम्ब बना डाले, इसीलिए रशिया को इतनी पावरफुल कंट्री माना जाता है। और 1990 के बाद में एक, आप ये समझिए कि एक तरीके से रशिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है सभी कंट्रीज़ की तरफ से, जिसकी वजह से रशिया ने अपने एटॉमिक प्रोजेक्ट, अपने हाइड्रोजन बॉम्ब के प्रोजेक्ट थोड़े धीमे कर दिए और बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं तो आज भी रशिया सबसे पावरफुल कंट्री होता, अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल कंट्री होता, इतने ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब थे उसके पास में। और देखिए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बनाने का जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है वो रशिया को जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, इतने ज़्यादा टेम्परेचर को डेवलप करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही गिनी चुनी कंट्रीज़ के पास में है, बहुत कम कंट्रीज़ के पास में है। अगर ये टेक्नोलॉजी सभी कंट्रीज़ के पास पहुँच जाए ना, तो ये जो हम एनर्जी के, भाई कभी हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर आते हैं, कभी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर आते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाते हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाते हैं, विंड मिल लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। इस फ्यूज़न से हम इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे, कि हमें पूरी दुनिया में कहीं भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये टेक्नोलॉजी सभी कंट्रीज़ के पास पहुँच जाए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत गिनी चुनी कंट्रीज़ के पास में है, और ये इस टेक्नोलॉजी को ना बाहर नहीं निकालते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी की समस्या हमारे सामने बनी हुई है बेटा। तो ये डेटा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि सबसे छोटा टेम्परेचर क्या होगा, सबसे बड़ा टेम्परेचर क्या होगा, थियोरेटिकली सबसे छोटा टेम्परेचर क्या होगा, और थियोरेटिकली सबसे बड़ा टेम्परेचर क्या होगा। तो ये बात हो गई है बेटा हमारी टेम्परेचर की। हमने टाइम की बात कर ली है, हमने टेम्परेचर की बात कर ली है। अब अगला नंबर आता है हमारे पास में करंट। हम बात करेंगे बेटा करंट की, तो जल्दी से आप पहले अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए, फिर हम करंट की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिफ्थ नंबर पर जो बेटा हमारे सामने आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है बेटा। ये हमारी फिफ्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं करंट की डेफिनेशन। भाई करंट की डेफिनेशन होती क्या है, हम किसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट? ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड है ना बेटा, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है चार्ज के लिए। काहे के लिए? चार्ज के लिए। और करंट का मतलब होता है फ्लो, करंट का मतलब होता है फ्लो। इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज से, और करंट का मतलब है फ्लो से। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमारे सामने बनेगी द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक सेकंड में किसी भी वायर के अंदर से कितना चार्ज फ्लो करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। देखो यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ इसकी यूनिट्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे।
जब चैप्टर आएगा करंट को डिटेल में हम वहां जाकर पढ़ेंगे, यहां तो हमें सिर्फ इसकी करंट के इसकी यूनिट्स के बारे में बच्चों हमें जानना है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए, लिखिए अपनी कॉपी में स्टूडेंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, चार्ज का जो फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में उसी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होती है, लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके स्टूडेंट, हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट की जो एस आई यूनिट है वो है एम्पियर, और हम इसे लिख सकते हैं ध्यान से कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एक यूनिट तो है हमारे पास में एम्पियर और दूसरी यूनिट है हमारे पास में कूलम्ब पर सेकेंड, दूसरी यूनिट है स्टूडेंट हमारे पास में कूलम्ब पर सेकेंड। उम्मीद है कि आप करंट की डेफिनेशन समझ गए होंगे कि करंट बेसिकली होती क्या है, चार्ज का जो फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में उसी को हम करंट का नाम देंगे। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, क्योंकि हमें करंट की डेफिनेशन से ज़्यादा कोई मतलब है भी नहीं, हमें तो यूनिट्स देखनी है उसकी। तो एस आई यूनिट ऑफ जो करंट है हमारे पास में वो है एम्पियर और कूलम्ब पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा भी हम कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर यानी 10^-3 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में है हमारे पास में 1 माइक्रो एम्पियर, जिसका मतलब है 10^-6 एम्पियर। मतलब कॉमन यूनिट तो हो गई है हमारी एम्पियर, और दूसरी यूनिट है कूलम्ब पर सेकेंड, और इन दो कंडीशंस का भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। एक है हमारे पास में 1 मिली एम्पियर और दूसरी है हमारे पास में 1 माइक्रो एम्पियर। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम बेटा अभी तक मास की बात कर चुके हैं, जो मेन है इसके अंदर जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्या, तो मास है या लेंथ है, बाकी तो छोटे 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 पॉइंट है। हम मास की बात कर चुके हैं, हम लेंथ की बात कर चुके हैं, हम टाइम की बात कर चुके हैं, हम टेम्परेचर की बात कर चुके हैं, और यहाँ हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। पहले आप जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ओके स्टूडेंट, वेरी नाइस। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में क्वांटिटी ऑफ मैटर, या हम इसे नाम देते हैं बेटा मोल। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर या हम इसे नाम देते हैं मोल। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, समझ में आ रही बात। हम सिर्फ इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताएंगे जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फॉर्मूला है भाई हमारे पास में नंबर ऑफ मोल स्मॉल n इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास। अब बहुत बार इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं बेटा, और स्पेशली 11th क्लास में तो आप बहुत इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मोल का हमारे पास में एक फॉर्मूला है, यह है मास, और नीचे है हमारे पास में मॉलिकुलर मास। हमारे पास में मोल का एक और फॉर्मूला है बेटा, देखो जरा ध्यान से, मोल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम, एन का जो मतलब है ना बेटा हमारे पास में वो है नंबर ऑफ एटम,
और एन नॉट है एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू है 6 × 10³। 6 × 10³। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे पास में मोल का फॉर्मूला है और ये भी हमारे पास में मोल का फॉर्मूला है। समझ आ रही है बात? ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास में मोल के हैं। अगर हम चाहें तो दोनों फॉर्मूलों को आपस में रख सकते हैं इक्वल, स्मॉल m अपॉन कैपिटल m और यह है n अपॉन n नॉट, और इन दोनों की वैल्यू है स्मॉल n के बराबर। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, यही सिर्फ इतनी सी बात है आपके सामने, और कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। बस आपको मोल निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को मोल को फाइंड आउट करना है। भाई नंबर ऑफ मोल स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, स्मॉल m का मतलब हो गया गिवन मास, स्मॉल m हो गया है आपके पास में गिवन मास, कैपिटल m हो गया आपके पास में मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या हम इसे कह सकते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट, और एक तरीका हमारे पास में ये है। सही मायने में आप इसे तब समझेंगे जब मैं इसका एप्लीकेशन करूंगा आपके सामने। आगे चलकर एक दो डेरिवेशन हमारे सामने ऐसी आएंगी जिनके अंदर मैं इसका एप्लीकेशन करूंगा बेटा, फिर आप अच्छे तरीके से समझेंगे कैसे हमने मूल का फॉर्मूला लगाया और किन कंडीशंस में हम लोगों ने लगाया। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो 6 क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट और मोल। इन सभी की 6 की 6 क्वांटिटी के अंदर समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार सुन लो और उसे लिख लो और याद कर लो, और कोई काम नहीं है इसके अंदर। ना कोई लॉजिकल पॉइंट है, ना कोई ट्रिक वाला पॉइंट है, ना कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आप लोगों को परेशानी हो। आप जितना उसे याद करेंगे, जितना लिख लिख कर देखेंगे, उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम आ जाते हैं बेटा लास्ट पॉइंट पर। पहले आप इसे नोट करिए, फिर हम 7th क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग आगे, और नेक्स्ट है हमारे पास में 7th क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, हम जानेंगे 7th क्वांटिटी के बारे में कि 7th क्वांटिटी क्या है हमारे पास में। बेटा लास्ट क्वांटिटी है हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमारे पास में लास्ट क्वांटिटी है स्टूडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेसिकली है क्या भाई, मान लो कि आपके पास में एक शीट है भेजा, ये हमारे पास में हमने लेट कर लिया कि एक शीट है हमारे पास में, दिख रहा है आपको, मैंने लेट कर लिया कि ये शीट है मेरे पास में। इस शीट का जो एरिया हमें दे रखा है वो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से हम डालते हैं लाइट, देखो यहाँ से हम लाइट डालते हैं और ये लाइट आकर शीट के ऊपर इंसिडेंट होती है ऐसे, ये लाइट ऐसे शीट के ऊपर इंसिडेंट होती है बच्चों, ये लाइट ऐसे शीट के ऊपर आकर इंसिडेंट होती है। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन ये है, एक सेकंड में इतने एरिए पर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिए पर, इन अ 1 सेकंड, एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिए पर जो लाइट आकर इंसिडेंट होगी, उस लाइट की एनर्जी को हम इंटेंसिटी का नाम देंगे। यानी आप ये समझिए बेटा कि मैंने ये एक ऐसे छोटा सा एरिया कट कर लिया है और ये एरिया है मेरे पास में 1 मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ये एरिया है मेरे पास में 1 मीटर स्क्वायर। इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिए पर, ये जो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको दिख रहा है ना, इस एरिए पर एक सेकंड में जितनी लाइट आकर इंसिडेंट होगी, जो लाइट इस पर आकर इंसिडेंट होगी, बस उस लाइट की एनर्जी को ही हम इंटेंसिटी का नाम देंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। ये हमारे पास में इंटेंसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, ये है हमारे पास में इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी
एरिया और यह है अपने पास में टाइम। ओके, इंटेंसिटी की जो एस आई यूनिट होगी अपने पास में, इंटेंसिटी की जो एस आई यूनिट होगी, एक तो होगी कैंडला, और कैंडला के अलावा दूसरी यूनिट होगी जूल मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस वन। ये हमारी इंटेंसिटी की दूसरी यूनिट होगी बेटा, ठीक है। डेफिनेशन आप इसकी ये लिख सकते हैं, लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। डेफिनेशन इसकी ये होगी, द एनर्जी इंसीडेंट ऑन पर यूनिट एरिया, द एनर्जी इंसीडेंट ऑन पर यूनिट एरिया, द एनर्जी इंसीडेंट ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, द एनर्जी इंसीडेंट ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। यह है फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी और यह है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। दिस इज कैंडला, कैंडला, कैंडला इंटेंसिटी की स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, और दूसरी यूनिट है बेटा हमारे पास में ये। तो इसके साथ ख़त्म हो जाती है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। आप याद करिए, कल से लेकर आज तक हमने कितनी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है? 7 क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन सातों क्वांटिटी में जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी हैं वो सिर्फ दो हैं। एक है हमारे पास में कौन सी? मास, और एक है हमारे पास में लेंथ। उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी पूरी की सेवन क्वांटिटीज़ में है फैक्चुअल डेटा, जो डेटा आपको याद करना है कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर होती है। ओके बेटा, नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों 7 क्वांटिटीज हो गई हैं हमारी फिनिश। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, और हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस का मतलब लेंथ से है, डिस्टेंस का जो मतलब है आप लोगों का वो लेंथ से है स्टूडेंट, लेंथ से, ठीक है। देखो होता क्या है बच्चों, लंबाई मापने के यानी लेंथ को मापने के, लेंथ को मेजर करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, हम सीधा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और लंबाई को माप लेते हैं। जैसे मैंने आपको मीटर स्केल का यूज़ करना सिखाया, मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का यूज़ करना सिखाया, मैंने आपको स्क्रू गेज का यूज़ करना सिखाया। वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जब हम लंबाई को माप लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जिसकी बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। मतलब सीधा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जब आप लंबाई को मापेंगे, चाहे आप मीटर स्केल का यूज़ करके मापें, चाहे आप वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके मापें, चाहे आप स्क्रू गेज का यूज़ करके मापें, वो मेथड आपका कहलाएगा बेटा डायरेक्ट मेथड। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास में आता है इनडायरेक्ट मेथड। हम क्या करते हैं, देखो एक बात देखो आप, अगर मुझे अर्थ से लेकर मून तक की डिस्टेंस मेज़र करनी है तो भैया इतना बड़ा स्केल तो मेरे पास में है नहीं कि मैं अर्थ से लेकर मून के बीच के डिस्टेंस को स्केल से माप लूँ, या अर्थ से लेकर सन के बीच के डिस्टेंस को स्केल से माप लूँ, नहीं है ना इतना बड़ा स्केल हमारे पास में। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का।
यानी जिन डिस्टेंसेस के ऊपर डायरेक्ट आप स्केल, वर्नियर कैलीपर या स्क्रू गेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं और बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस होती हैं, उन पर हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं बेटा। तो उन्हें मापने के लिए हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का। इन इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या तो बहुत बड़ी डिस्टेंस मापेंगे या बहुत छोटी डिस्टेंस मापेंगे। अब देखते हैं कि क्या है ये इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे पहले हमारे पास में आता है ये है इको। इको भी बोलते हैं, एको भी बोलते हैं। ठीक है, इको हम इसका यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। इको का यूज़ किया जाता है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। जो दूसरा मेथड हमारे पास में आता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं लेज़र। लेज़र, लेज़र का यूज़ भी किया जाता है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। जो तीसरा मेथड हमारे सामने आता है इसे हम लोग बोलते हैं रडार। ध्यान से बेटा, रडार हम इसका भी यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। जो चौथा पॉइंट हमारे सामने आता है यह है सोनार, और इसका भी हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। ये चारों के चारों मेथड हमारे पास में है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इन चारों का यूज़ हम ऐसे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करेंगे जिसे हम स्केल से या किसी और डिवाइस से नहीं मेज़र कर सकते हैं बेटा। पहले मेथड का नाम है ईको, फिर है लेज़र, फिर है रडार, फिर है सोनार। ओके, नंबर पाँच पर हमारे सामने आता है बेटा पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स मेथड, ठीक है, पैरालेक्स मेथड। ओके स्टूडेंट, ओके, नंबर सिक्स पर हमारे पास में आता है ट्राइंगुलर मेथड। ट्राइंगुलर मेथड, ट्राइंगुलर मेथड। और नंबर सेवन पर हमारे पास में आता है कॉपरनिक्स मेथड। चलो नंबर सेवन तो रहने ही दो, कॉपरनिक्स मेथड, कॉपरनिक्स मेथड। ये जो आपके सामने मेथड लिखे हुए हैं ना बच्चों, इन मेथड का हम यूज़ करेंगे बड़ी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। इन मेथड का हम यूज़ करेंगे, ये मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये जो ट्राइंगुलर मेथड है, और एक मैंने आपको ओरली बताया कॉपरनिक्स मेथड। कॉपरनिक्स मेथड नाम याद रखिएगा, सिर्फ कॉपरनिक्स मेथड, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम इन्हें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी नहीं आता है। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम में आता है, और आई थिंक स्कूल एग्ज़ाम के लिए फाइव मैथड इनफ है, बिल्कुल पाँच मैथड बहुत है बिल्कुल। ठीक है, इको, लेज़र, रडार, सोनार, पैरालेक्स मेथड, इन सभी मेथड का हम यूज़ करते हैं बेटा लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। अगर हमें लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम यूज़ करेंगे इन मेथड का। लार्ज डिस्टेंस को मापने के लिए इन मेथड का यूज़ किया जाएगा बच्चों। ये है हमारे इनडायरेक्ट मेथड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास में आता है बेटा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड, तो आप सिर्फ इतना ही लिखें अभी, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इन दोनों को हम यूज़ करते हैं बेटा स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। बहुत छोटे डिस्टेंस को मापने के लिए इन दोनों मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। अगर बहुत छोटी डिस्टेंस हमें मापनी है तो इन दोनों मेथड का हम यूज़ करेंगे, और अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है तो हम इन मेथड का यूज़ करेंगे। और इतना आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से बेटा कि इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ डायरेक्ट मेथड काम में नहीं आता है। डायरेक्ट मेथड यानी जहाँ सीधा डिवाइस का यूज़ करके हम डिस्टेंस को नहीं मेज़र कर सकते हैं, वहाँ हम इन मेथड का यूज़ करते हैं। अब इस चैप्टर में बस आप ये समझ लीजिए कि यही हमारे पास में बचा हुआ है, ये फाइनल पॉइंट है बिल्कुल, और इसे पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। ठीक है बेटा, तो कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं,
कल हम स्टार्ट करेंगे इको से और सारी बातें एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपरली आप अपना होमवर्क हमारे पास में सेंड करिए। अगर कोई समस्या या कोई डाउट आप लोगों को लगता है तो हमसे कंसल्ट करिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।